उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व प्लान नहीं होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को हाजिर होने के लिए कह दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व पर अपना कड़ा रुख अब अपना लिया है। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण योजना नहीं होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जता दी है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजाजी और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानों में दो महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्यों के लिए बाघ संरक्षण योजनाएं नहीं होने को लेकर उत्तराखंड सरकार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा कि बाघों के संरक्षण के लिए बने राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ संरक्षण की योजना कोई मौजूद ही नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के शीर्ष वन अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होने के लिए कह दिया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि ये जानकर किसी को भी झटका लगेगा कि आपके पास बाघ प्रबंधन की कोई योजना ही नहीं है, आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, इस पर जिम्मेदारी लें। अपने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों, फॉरेस्ट फोर्स के प्रमुख, एचएफएफ मुख्य वन्यजीव वार्डन और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए के किसी व्यक्ति को इस मामले में कोर्ट में हाजिर होना होगा। आज गुरुवार को मामले की सुनवाई होनी है। बता दें, बाघ अभयारण्य के अंदर अवैध निर्माण का आरोप है। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील गौरव कुमार बंसल ने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ सफारी के प्रस्ताव का विरोध करते हुए एक याचिका दायर की थी। इसमें बाघ अभयारण्यों के अंदर किए जा रहे अवैध निर्माणों की ओर इशारा किया गया था। कहा गया था कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आज तक कोई बाघ संरक्षण योजना नहीं है, वो वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत आवश्यक है। याचिका में उठाई गई चिंताओं का समर्थन करते हुए न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वकील के परमेश्वर ने कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि आज तक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पास बाघ संरक्षण की योजना नहीं है। बता दें कि ये भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 38V के तहत प्रत्येक अधिसूचित बाघ अभयारण्य में बाघ संरक्षण योजना होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार को एक TCP तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें कर्मचारी विकास और तैनाती योजना भी शामिल है। क्या है राज्य सरकार का तर्क, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो स्वीकृत योजना है, केंद्र सरकार की ही थी जिसने इस योजना का प्रस्ताव रखा और हमारे पास भेजा। वर्तमान परियोजना 80% पूरी हो चुकी है। बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन पहले ही खर्च हो चुका है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जब अधिकारी हाजिर होंगे तो क्या कुछ फैसला निकल कर आता है।